बड़ी खबर इस वक्त की हरदोई टोडरपुर से आ रही है। अपनी दुर्दशा में आंसू बहाती ग्राम पंचायत जलालपुर की सड़क, जनता त्रस्त, अधिकारी मस्त, विकास की ओर निखार रहा ग्राम जलालपुर। जहां एक तरफ योगी व मोदी सरकार गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों व अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण गांव का विकास अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंच पा रहा है। टोडरपुर विकास खंड के ग्राम जलालपुर विकास की दृष्टि से काफी दूर है। आपको बता दें कि जलालपुर ग्राम पंचायत है, लेकिन केवल नाम का, क्योंकि जलालपुर गांव में एक नाली तक नहीं है। सड़क तो दूर की बात है, जिससे ग्रामवासी खुलेआम सड़क पर पानी चलाने को मजबूर हैं। सड़क भी गड्ढों में तब्दील है, साथ ही बारिश में पानी भर जाता है, जिससे गांव में ग्रामीणों को निकलना दुभर हो जाता है। स्कूल जाने वाले नौनिहालों को भी इस कीचड़ से गुजरना पड़ता है, जबकि समस्त छोटे बड़े वाहनों का आवागमन हर समय इस रोड पर बना रहता है। हर समस्या वाहन पलटने का भी डर रहता है, पैच हर वक्त वाहन पलटने का भी डर बना रहता है, किसी भी वक्त हादसा होने का डर बना रहता है, लेकिन जिम्मेदार मौन बने हुए हैं। क्या इसी तरह से मोदी सरकार का स्वच्छ भारत का सपना होगा पूरा? आखिर गांव के विकास की जिम्मेदारी किसके जिम्मे होगी? या ग्रामीण इसी तरह कीचड़ में निकलने के लिए मजबूर होंगे और हादसे का शिकार होते रहेंगे? आखिर कब तक?